छत्तीसगढ़ में आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई शुरू हुई। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण की शुरुआत की और कहा कि हमारी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। श्री राम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों के द्वारा फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार अयोध्या में लोगों को दर्शन करा रही है। उधर राज्यपाल अंग्रेजी में अपना अभिभाषण दे रहे थे। इधर विपक्ष में बैठे पूर्व सीएम ने अंग्रेजी में अभिभाषण पर एतराज भी जताया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व सीएम ने क्या कहा, आदिवासी की बात कौन करेगा? तो पूर्व सीएम ने आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। पिछले समय भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था, उसमें केवल 4 पेज का अभिभाषण था। अभी भी इस अभिभाषण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए, जिससे ये सरकार अपने आगे 5 साल किस प्रकार से या साल भर किस प्रकार से काम करेगी, इसका कोई रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो आप सबसे आपत्तिजनक बात ये है कि अभी तक के राजिम कुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है। राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभकल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में केवल एक पैरा छोटा सा दिया गया है आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए, इसमें कोई किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो पूर्व सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर टोकने की, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि विपक्ष को चर्चा के लिए पूरा समय मिलेगा, ऐसे टोका टोकी नहीं करना चाहिए, तुम्हारी योजना से संबंधित जानकारी भी दी गई। टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकते हैं। द्वितीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह अनुपूरक तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।